फोन क्या नाम बोला था आपने? नाम हनी, एच ए एन आई। यहाँ पे छुपा के लिखती हूँ। यहाँ पे वो होता है ना सर, दीदी कह रही क्या बात है आजकल पर्सनल कस्टमर बना रही है, उनके ऐसी कोई बात नहीं है, वो उनको अच्छा मतलब वो हो जाते हैं, पैसे मिलते हैं। हाँ वो कितने मिलते हैं? क्योंकि पार्लर का ये ऐसा काम है, हाँ, बुटीक का, सबको तो हर कोई देखता है ये इस चीज को आराम से। कौन सा फ्लावर? ये जिट पीछे ना, पीछे से जाते कर रहा है। चिल्लाओ, ये देखिए गाइस, आप बताना आपके वाली मेहंदी हमारी कैसी लगी? दोनों का ना, आगे का और फिर बैक का, फिर साथ में गाना लगा दूंगी इंस्टा पे। दूसरी मेहंदी दिखाओ। गजर की मम्मा की एक हाथ की मेहंदी हो चुकी है और आ रही हो दूसरी हाथ की। यही होता है कि नहीं पता है तो लूट है। और मैंने जल्दबाजी में सिलवाया था, मगर तू कोई नहीं यार, गुड़िया की ड्रेस है, मगर तो तू बाहर से 1700 की यही रेडी वेयर साड़ी, मैंने पूछी प्राइस 1300 रुपये। तो मतलब घर पे कपड़ा रखा है हमारे साथ, तू दोनों की सिलवा दे। वो अपनी वो येलो वाली साड़ी दिखाई एक बार, रेडी टू वेयर दो सिलवाई थी। हाँ लेके एक बार दीदी को दिखाई। मेरे पिंक और वाइट वाली फ्रॉक भी सिलवाई थी, वहाँ पे बहुत महंगी थी, लेकिन पिंक और वाइट वाले से सिंपल गाउन सिलवाया। ये देखिए अगर आपको बाद में जाए मम्मी की मेहंदी कैसी लगी। ये वाली अभी एक हाथ तो हो ही चुकी है, ये इसमें उसमें पूरा 5 मीटर लगा रहे चिल्ले के ला के शाइनिंग वाला जो कपड़ा आता है इसने वो कपड़ा बताया 1000 रुपये का 5 मीटर। उस हिसाब से बनाएगी है, लेकिन कपड़ा तो बचा है। मेरे को वही लग रहा है, मैं कपड़ा जब देखी मम्मी हमेशा मेहंदी लगवाती है क्योंकि कल करवा चौथ है, इसलिए मम्मा सामान लिए। अभी मम्मा भागेगी, देखिए अभी तो रात बजेगी, रात के फिर 8:30। अच्छा जाम भागे के सामान पार्लर जाऊंगी। बट आप लोग क्या करोगे पार्लर में? बोर हो जाओगे। आपको देखूंगी, आपकी शक्ल देखूंगी। मैं तो घर पे ही देख रही हूँ। देख रहे हो? शक्ल देखूंगी आपकी। मम्मी इतनी अच्छी भी नहीं है। दादाजी बन चुकी है, मम्मा लग चुकी है आधी मेहंदी आपकी मम्मा की। फोर्ट फैब में शादी है, दूसरी हाथ की सूख की दिखाओ।
मेरे किरदार को धीरे धीरे है ना मम्मा, पीछे से देख लीजिए आप, मैं पीछे से किरदार आपके अपन कैसे मनाया, कैसे मनाया वापस देने पापा को, ऐसे थोड़ी दिया है, कैसे मनाया मना कर दी बिल्कुल, क्या मना कर दी पूरी, मैं जब मम्मी से पाँच मिनट कब बनेगी फिर मम्मी से ये बोलेगी कितने की है तेरे को अभी नहीं पहनने, अभी नहीं मैंने कंप्लीट हो गया, जब वहाँ जाओगे ना बाहर घूमने, किसको मैं क्या आपकी मैं आपको शक्ल दिखाती हूँ, इमरजेंसी में तो सबको ही चाहिए रहती है और कम प्राइस देख के सब लेते हैं, कह रही 10 से लाऊंगी 50 की बेचूंगी 100 की, उसके बाद चार्जिंग नहीं करवा कैसे 100 हो जाता है 100 रुपीस, बंद कर सेब रखे हैं एप्पल खा ले, सेब लेके आ के जलेबी रखी है दूध में डाल के उनको खा ले, हम दूध नहीं करना तुम प्यार मासूम मासूम बच्चों को, बहुत मासूम है, एक दिन कोई रख के दिखा दे 1 घंटा भी तुम्हें। तो हेलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं सूट लेने के लिए, बहुत लेट हो चुका है, ये लगा लो कि कल है बस, तो सामान भी लेना है सूट भी लेना है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं कि अभी मैं क्या क्या लूँगी और हस्बैंड के लिए भी सरप्राइज लेना गई, उनको बताया नहीं है, अब की बार हम सेम मैचिंग ड्रेस करेंगे, तो पहले सूट और फिर आके ड्रेस लेते हैं, फिर हम दिखाते हैं कि हमने कहाँ पे दिए हैं सूट, ये हैं भैया जो यहाँ मैंने फर्स्ट टाइम सूट सिलवाए हैं, अभी देखते हैं कैसे पसंद आएंगे, लेंगे हम टी शर्ट जो कल बोल के गए थे, ये देखिए गाइस फोटो नहीं खींचा, दे दो भैया, भैया यहाँ से लेके जाती हूँ मैं हस्बैंड के भैया पापा के लिए, किसी के लिए तो अच्छी ड्रेसेज है, देखो गाइस अभी हम दिखाते हैं क्या है, तो गाइस ये ले रहे हैं हम यहाँ से करवे, क्योंकि अभी शॉपिंग बाकी है हमारी जो नहीं की है, सॉरी तो हम यहाँ से कर रहे हैं शॉपिंग, गाइस ये ले रहे हैं दो, ओ भाई गिरेगा तो नहीं, आप ही उठा दो कि मैं एक के चक्कर में दो का नुकसान हो जाए, तो लिए गए जो हम यहाँ ले रहे आंटी से करवे चीनी वाले, और ये कितने के है, ये वही माता का है, अरे करवा माता का है, हाँ ये कि करवे की गाइज हम एक साथ ही शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाद में फिर नहीं टाइम लग पाता है, और ये कहीं बुक को ये कॉपी और दे दे, ये पूजा वाली कॉपी ही है, हाँ हो गया, और ये थाली कैसे दे रहे हो, ये बैग ले रहे हैं एक एक कर दो, जैसी शॉपिंग होती है जल्दी जल्दी, मैं अकेली हूँ बच्चों के साथ तो जैसे टाइम लगा वैसा ले लिया हमने सामान, और अभी और भी काम है तो अभी हम आपको मिलते हैं पार्लर में, हमने यहाँ से लिया है कुछ सामान, ये आपको मैं हमने
मैंने ले लिया है सामान। आप सोचे कि मैं इस हाल में ऐसी इतनी अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि मेन बात ये कि मेरे को पार्लर आना था, तो इसी चक्कर में कुछ भी नहीं करके आई हूँ। और हमने सबसे पहले लिए हैं अपने फूड ड्रेसेज, बच्चों के लिए तो कुछ लिया ही नहीं है, क्या करें। तो अभी मैं जाऊँगी पार्लर, क्योंकि उनको बोल के आई थी कि मैं वेट करना। तो अभी पार्लर से फिर साड़ी और उठानी है मेरे को वहाँ से, फिर मैं आपको घर दिखाती हूँ फिर क्या क्या लिया है। गाइस मेरी मेहंदी पैरों की, बहुत लेट हो रहा है। हेलो गाइस, कल जल्दी जल्दी मैं एक्चुअली ना कुछ सामान भूल गई थी रात को, क्योंकि लेट इतनी हो रही थी, पार्लर भी जाना था और वैसे भी हम आ गए जहाँ में सामान। तो गाइस अरे सिंपल वाले चीज का मेरे को ही दे दो, ये सजा हो रही है। ये देखिए लक्ष्मी गणेश, माँ ये लेते हैं, ये पूजा के लिए गई आपको नहीं, कैलेंडर तो है, कल यही तो सामान नहीं लेते हैं ना है? नहीं लेते हैं। नहीं नया लेके गई हूँ कल रात को, नहीं सामान भूल गया एक्चुअली जल्दी जल्दी में। अरे दी आई है नहीं, ये दे दो, नहीं ये 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 अभी तो यही दो थे। तो भाई हमारा सामान हो गया पूरा, बाकी पूछ लेते अगर कुछ रहा है तो है नहीं। तो गाइस जब हमारी शॉपिंग पूरी हो गई है, क्योंकि मेरा ये सामान रहता था, मेरा ये वाला सामान रहता था जो मैं रात को नहीं ले पाई थी जल्दबाजी में, तभी मैंने खरीद लिया है। तो बाकी हम आपको मिलेंगे भी नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो के साथ सब्सक्राइब करना, शेयर और कमेंट करना कैसी लगी।